Hello friends, welcome to my channel. It's me Shruti and I'm really sorry that I didn't upload any video till now because we went to our hometown, so we were not here and now we came back to Bangalore. So today I'm going to make a video on used bottles. Like aapke ghar mein jo cold drink ki bottles hote hain, आइसक्रीम टब्स होते हैं, पेंट का जो आपका बकेट होता है, लस्सी जार्स होते हैं, आपके जो लिक्विड डिटर्जेंट्स की बॉटल होते हैं, जिनको जनरली आप क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं डस्टबिन में, तो आप उनको कैसे रीयूज कर सकते हैं, आप उनका कैसे मेकओवर करेंगे, कैसे रीयूज करेंगे और उनमें प्लांटिंग करेंगे, ये आज मैं आपको बताऊंगी और दिखाऊंगी. So now here this is the first pot which has been makeover. This was a lassi jar. तो इसमें क्या किया मैंने, ये पैक छोटे डॉट्स बना के कलरफुल, बहुत सारे मैंने कलर्स यूज किए हैं, रेड ग्रीन येलो ब्लू, मतलब आपके पास जितने ज्यादा कलर्स हो आप सारे यहाँ पे यूज कर सकते हैं और ब्रश से बस ऐसे डॉट्स बना देंगे. और ये ऊपर इसके बाद में फिर मैंने एक स्प्रिंग यूज की है जो जूट की स्प्रिंग है, वो मैंने इस पे ऐसे राउंड करके और उसको यहाँ पे टाइट कर दिया है. फिर इसके बाद में मैंने यहाँ पे हर्ट कट करके आपका चार्ट पेपर पे हर्ट कट किया है और उस पर मैंने मेंशन किया है बेवेन्यू. एक्चुअली दिस इज अ फ्रेंच वर्ड एंड इट्स मीनिंग इज वेलकम. सो यू कैन पुट दिस स्पॉट ऑन योर टेबल नियर द सोफा. तो लाइक जो भी आपके यहाँ आएगा तो दिस इज आई थिंक व्हेन ही और शी विल लुक्स दिस, इट इज वेरी ब्यूटीफुल. और इसके बाद में इसका मेकओवर करने के बाद में मैंने इसमें ये जो ये प्लांट है इसको इसमें लगा दिया था. एंड हियर द नेक्स्ट वन, दिस इज द बॉटल ऑफ एरियल लिक्विड डिटर्जेंट. एंड हियर आई ट्राई टू गिव अ लुक ऑफ वुमेन. आई थिंक आई होप यू आर एबल टू सी दिस. तो मैंने क्या किया, मैंने बॉटल का जो बॉटम था वो मैंने कट किया और इसके बाद में इसको लाइट पेंट करके मैंने यहाँ पे ये आईज ड्रॉ की और मैंने ये लिप्स ड्रॉ किए और इसके बाद में मैंने यहाँ पे एक छोटी सी बिंदी लगा दी. एक्चुअली मैं एक लुक देना चाह रही थी, फेस बनाना चाह रही थी एंड दैट हैज बीन डन. और ये नेक्स्ट जो है हमारा ये लाइक जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल होती है, कोक हो गया आपका, स्प्राइट हो गया, पेप्सी हो गया, जिनका 2 लीटर एंड 1.5 लीटर का जो बॉटल होता है वो मैंने यहाँ पे लिया है और उसका जो अपसाइड होता है उसको मैंने यहाँ से कट किया है. एक्चुअली मैंने पहले उस पर ड्रॉ कर दिया था, तो ड्रॉ करने के बाद मैंने ऐसे कट किया और ये थोड़ा सा ईयर्स टाइप के मैंने इसके बना दिए और इसको मैंने ऐसे कट कर दिया. इसके बाद मैंने इसको पेंट कर दिया और यहाँ पे मैंने कुछ कुछ थोड़े थोड़े से फनी लुक्स क्रिएट किए हैं, लाइक कैट और पांडा और डॉग टाइप्स, तो वो चीज मैंने ऐसे करके यहाँ पे ड्रॉ किया. और इसके बाद में मैंने इसमें जो है ये जो प्लांट है वो इसको लगा दिया. इन द सेम वे मैंने क्या, ये भी मेरी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स हैं तो इनको मैंने क्या किया, सेम तरीके से कट किया, पेंट किया और मैंने ये ड्रॉ किया और ये यहाँ पे मैंने प्लांट लगा दिया. ये भी आपका कोल्ड ड्रिंक का बॉटल है, इसमें भी मैंने कट किया, पेंट किया एंड इसमें प्लांट लगा दिया. नेक्स्ट लाइक ये भी जो बॉटल है मैंने इसको यूज किया और मैंने इसमें यहाँ पे पांडा ड्रॉ किया है. तो इट्स अप टू यू कि आपको क्या पसंद है, कौन सा एनिमल पसंद है, कौन सी बर्ड पसंद है, कौन सा पेट पसंद है, तो आप उसको यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं और उसके बाद में आप इसमें प्लांट्स लगा देंगे. सेम इसी तरीके से मैंने इन बॉटल्स में भी मेकओवर किया है. और लास्ट में इधर आता है ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये मेरा आइसक्रीम टब था, इसमें मैंने अमूल का आइसक्रीम लाया हुआ था, तो इसके बाद में ये वेस्ट हो गया तो आई थॉट कैन आई रीयूज इट एंड फाइनली आई रीयूज इट. तो मैंने क्या किया, इसमें मिट्टी डाल के और ये जो मिंट है तो मैंने इसमें मिंट जो लीव्स हैं मैंने उनको लगा दिया और आप देख सकते हैं कि मिंट लीव्स कितनी अच्छी इसमें ग्रो हो रही है. एंड फिर इधर लास्ट में आप क्या देख रहे हैं, ये जो है नेक्स्ट ये मेरा
जो पेंट मैंने सारे किए हैं, तो एक्चुअली मैंने पेंट बाय किया था, तो उसका जो बकेट था तो वो लास्ट में क्या होगा जब खाली हो गया, तो लाइक कि इसको फेंक दूं क्या करूं, तो दैट थिंग केम इन माय माइंड कि मैं इसमें भी प्लांटिंग कर सकती हूं, तो मैंने इसको भी पेंट करके और पोलका डॉट्स बना के क्या किया मैंने इसमें, ये जो है आप एक प्लांट मैंने इसमें लगा दिया, और आप देख सकते हैं कि इसमें आपका एक ब्रिंजल भी है। और फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं इसमें मैंने क्या किया है, ये पहले मैंने पोलका बॉटल लिया है, ठीक है, इसको कट कर दिया, और जो इसके अंदर आप देख रहे हैं बिस्लरी का जो बॉटल होता है वाटर का, वो मैंने लिया है और उस पे स्टोन्स कलर करके स्टिक कर दिया है, फिर उस बॉटल को मैंने इसके अंदर रखा है और उसको नीचे से स्टिक कर दिया है। फिर इसमें मैंने क्या किया, थोड़ा सा मिट्टी डाल के इसमें इस प्लांट को लगा दिया। और ये जो है ये हमारा क्या है नेक्स्ट सर्फ एक्सल लिक्विड डिटर्जेंट का जो बॉटल है वो मैंने लिया है। इसको मैंने क्या किया, ऐसे शेप बना के इसको मैंने यहाँ से इसको नाइफ से कट कर दिया है। ये इजीली नाइफ से कट हो जाता है, ज़रूरी नहीं आपके पास कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट हो, बहुत ईजिली कट होता है। इसके बाद में क्या किया मैंने इसमें इसको पूरा पेंट कर दिया, और पेंट करने के बाद में वाइट पेंट लेके जैसे इसको मैंने ड्रॉ कर दिया, और फिर ड्रॉ करने के बाद में मैंने इसमें क्या किया, जो ये प्लांट्स थे मैंने इसमें लगा दिया इन प्लांट्स को, और अब ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और इन जार और कंटेनर्स के अलावा मैंने कुछ बॉटल्स का भी मेकओवर किया है, लाइक आप देख सकते हैं कि ये जो मेरी बॉटल है ये मेरा इसमें चिंग्स का सोया सॉस था तो मैंने उसको यूज़ किया है, और ये मेरा टोमेटो सॉस का बॉटल था, और ये जो मेरा है ये आपका हिमालय का जो वाटर बॉटल आता है वो किया है। तो मैंने इन पे भी पेंट ड्रॉ करके मैंने क्या किया इनको इस तरीके से हैंग कर दिया है, तो ये लाइक बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं, तो आप इसको देख सकते हैं ऐसे, और आप भी इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपको दिखाया कि जो भी यूज बॉटल्स थे, जो भी यूज कंटेनर्स थे, उनको कैसे मैंने पेंट करके मेकओवर किया उनका, और फिर मैंने उसमें जो प्लांट्स थे उनको लगा दिया। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इन जो यूज बॉटल्स जो मैंने पॉट्स में प्लांट्स लगाए हैं, इनसे हम अपनी बालकनी को कैसे डेकोरेट करेंगे। और अब आप हैं यहाँ मेरी बालकनी में, मैं आपको दिखाने जा रही हूँ मैंने कैसे उन पॉट्स को यहाँ पे डेकोरेट किया है। Please like and subscribe. Thank you.